दुर्ग जिला चिकित्सालय में बीती रात अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का उजागर हुआ है, जहां चाइल्ड आईसीयू की लाइट लगभग 1.5 घंटे तक बंद रही। जिला चिकित्सालय को लगातार आधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है, बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही लगातार उजागर होती जा रही है। ऐसा ही मांग चाइल्ड आईसीयू की लाइट गोल हो गई और अस्पताल में लगने वाला जनरेटर काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते चाइल्ड आईसीयू में भर्ती मरीजों के परिजन परेशान हो गए। जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त अस्पताल में कोई जिम्मेदार डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। ऐसे में अस्पताल स्टाफ ने इसकी जानकारी तत्काल विद्युत विभाग को दी है और लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद लाइट वापस आई है। इस दौरान कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही का उजागर हुआ है। कितनी देर के लिए लाइट गई? 1 घंटे के लिए, 1 घंटे करीब लाइट गई था। पब्लिक बहुत दिक्कत में था, सब हैरान हो गए थे कि कहाँ जाए, अपन कैसे करें। अस्पताल प्रबंधन से कोई आया था? हाँ, तो क्या बोलते हैं, वो आए थे ना सीएमबी से, लाइट विभाग। हाँ, लाइट विभाग से आए थे, कर्मचारी जो करके गए हैं काम अपना। डॉक्टर वगैरह कोई? डॉक्टर वगैरह आए, लेकिन वो बोले कि अपना संकेत में रहो बच्चों को करके। डिलीवरी था तो कोई आईसीयू में अभी डाल के रखे हैं बच्चे को, और 1.5 घंटे तक अभी लाइट गोल है, तो वही बच्चे को दिक्कत आया, परेशानी लापरवाही हुआ है। और यहाँ पर डॉक्टर थे? डॉक्टर नहीं थे उसमें। लाइट गोल हुआ तो किसको खबर दी है? लाइट गोल हुआ तो बिजली ऑफिस वाले में लगाए थे फोन, वहाँ से आए थे। किस तरह का खतरा लग रहा था आप लोगों को लाइट गोल हुई तो? बच्चे को दिक्कत हुआ ना, आईसीयू में थे ना बच्चे, तो दिक्कत हुआ। अभी डॉक्टर क्या जानकारी दी है, अभी क्या स्थिति है? डॉक्टर तो अभी मिले ही नहीं सर, अभी तो कोई है नहीं डॉक्टर, जब जो भी है कल सुबह मिलेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।